कस्बे के निकट आज बुधवार सुबह टायर फटने से अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में कार में सवार दंपति घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का बाप ने सरकारी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कार घायल दंपति का बेटा ही चला रहा था, लेकिन उसे चोट नहीं लगी। कार सवार परिवार पंजाब से गुजरात के कच्छ जा रहे थे। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। मिलावटखोरों के खिलाफ चिकित्सा विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तैयारी सीजन में केंद्रीय टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहावट में मिलावटी मावा बनाने वाली 3 अवैध फैक्ट्रियों पर छापामारी कर करीब 100 किलो मिलावटी मावा नष्ट करवाया। चिकित्सा व खाद्य विभाग की केंद्रीय टीम ने लोहावट पहुंचने पर मावा व्यापारियों में हड़कंप मच गया। स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर सुनील सिंह के नेतृत्व में लोहावट के विष्णु की ढाणी मूलराज व हंसादेश स्थित मावा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। विष्णु की ढाणी व हंसादेश में बिना फैट के दूध पाम ऑयल व सोडियम हाइड्रेट से निर्मित नकली मावा बनाता हुआ मिला। केंद्रीय टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलो नकली मावा नष्ट करवाया। डॉक्टर सुनील सिंह ने बताया कि टीम द्वारा पिछले दिनों बीकानेर में कोल्ड स्टोरेज पर नकली मावा के खिलाफ की गई कार्रवाई में सामने आया था कि नकली मावा लोहावट से आ रहा है। उसके बाद यह कार्रवाई की गई।